नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। मणिपुर आग में जल रहा था, महिलाओं को निर्वस्त करके घुमाया जा रहा था। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से यह घटनाएं रुकी हुई थी, लेकिन अब फिर दोबारा चरमपंथियों के द्वारा जो मणिपुर के कुछ गांव हैं उन पर ड्रोन से हमले किए गए हैं, तो यह मामला पूरा चर्चा में आ गया है। वह कौन सी परिस्थितियां हैं जो मणिपुर को बेहद संवेदनशील बना चुकी हैं, इन्हीं मुद्दों पर आइए आज हम बात करेंगे। मणिपुर जिस राज्य की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी जुड़ती है, अर्थात म्यांमार से जुड़ती है, उस राज्य की क्या स्थिति हो गई है। मणिपुर जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में शुमार है, खूबसूरत राज्य है, आखिर क्यों वह आग में जल रहा है, इन सभी मुद्दों पर आइए हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि इसका टाइटल क्या है। तो मणिपुर में फिर से हिंसा ड्रोन से गांव पर हुआ। हम करते हैं, मणिपुर में हिंसा दोबारा शुरू हो गई। आखिर मणिपुर की हिंसा का इतिहास क्या है, आखिर मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है, आइए उसी विषय को आज समझने का हम भरपूर प्रयास करेंगे। खबर क्या है, खबर को जानेंगे, मणिपुर की जातीय संरचना को देखेंगे, एसटी शेड्यूल ट्राइब दर्जे की मांग को समझेंगे और इस शेड्यूल ट्राइब दर्जे का विरोध क्यों हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। खबर को आइए जानते हैं। तो मणिपुर में चार महीने के विराम के बाद हिंसा फिर लौट आई है। लगभग एक दो सालों से मणिपुर हिंसा की चपेट में था और चार महीनों से हिंसा थमी सी थी, शांत मणिपुर फिर आग में जलने लगा, वहां से पुनः हिंसा लौट आई। हाल ही में संदिग्ध चरमपंथियों ने हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल करके बंदूक और बम से हमला कर दो लोगों की हत्या कर दी। जो वहां के चरमपंथी समुदाय हैं, चरमपंथी लोग हैं, वो हाईटेक ड्रोन से हमला कर रहे हैं, बम गिरा रहे हैं और उस हमले में दो लोग मार दिए गए हैं। कम से कम छह अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें दो पुलिसकर्मी हैं, एक टेलीविजन पत्रकार भी उनमें शामिल है। पृष्ठभूमि इसकी क्या है, पृष्ठभूमि को जानते हैं। तो 3 मई 2023 से लगातार मणिपुर में जातीय हिंसा है हो रही है। 3 मई 2023 से लगभग एक वर्ष हो गए मणिपुर में जातीय हिंसा हो रही है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। 220 से अधिक लोग मार दिए गए हैं, 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं और वह राहत शिविर में आकर रह रहे हैं। राहत शिविर जहां पर आपकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए भी वह संरचनाएं नहीं मौजूद होती हैं, लेकिन मणिपुर के लोग शिविरों में रहने के लिए विवश हो रहे हैं। लगभग एक वर्ष से ज्यादा से मणिपुर हमारा हिंसा की आग में, जातीयता की आग में जल रहा है। अधिकांश विस्थापित लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। मणिपुर की जातीय संरचना की, मणिपुर की जातीय संरचना, जो मणिपुर का मैदानी इलाका, मणिपुर को हम मैदानी, जैसे ये हमारा मणिपुर है तो इसको हम मैदानी और पहाड़ी दो पार्टों में बांटते हैं। तो जो मैदानी इलाका है वह पूरे मणिपुर के क्षेत्रफल का 10% ही है। मतलब मान लीजिए कि अगर मणिपुर का पूरा क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है तो उसका 10% 10 वर्ग किलोमीटर ही मैदानी क्षेत्र है, बाकी 90 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये आपका पहाड़ी इलाका है। मैदानी इलाका का कुल क्षेत्र 10% है और यहीं पर यह जो 10% क्षेत्र है वहां पर 64% मैतई, वहां पर दो जनजातियां हैं, मैतई और कूका, तो मैतई जनजाति वहां पर रहती है। यहीं पे 10% क्षेत्र है पूरे मणिपुर का और 64% मैतई जनजाति यहां पर रहती है। और मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, मणिपुर में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, लेकिन ये जो मैदानी इलाका है यहीं से 40 लोग चुनकर जाते हैं। मतलब विधानसभा की कुल सीटों का 40, मतलब 60 सीटें हैं, उनमें 40 सीटें इन्हीं क्षेत्र से, मैदानी इलाकों से ही विधायक चुने जाते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ी इलाका, जो पहाड़ी इलाका है मणिपुर का वह पूरे क्षेत्रफल का 90% है, लेकिन वहां पर 35% जनजातीय लोग होते हैं, लोग हैं और कुल 20%, मतलब 20 विधायक वहां से चुने जाते हैं। तो आप जो भौगोलिक संरचना देख रहे हैं, तो जो मैदानी मणिपुर का क्षेत्र है वहां से 40 विधायक चुने जाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल कितना है, 10%। जो पूरी मैतई आबादी है उसका 64% उस 10% मैदानी इलाकों में ही रहता है। 90% जो पहाड़ी इलाका है वहां से केवल 20 विधायक चुनकर जाते हैं
और वहां पर 35% जनजातीय लोग रहते हैं। विवाद क्या है? विवाद वहां के संसाधनों को लेकर है। विवाद केवल राज्य के संसाधनों को लेकर है कि जो 10% मैदानी इलाका है वहां से 40 विधायक चुनकर जाते हैं, 64% मैतेई जनजाति के लोग हैं, वह पूरे संसाधनों पर इनका कब्जा है, वैसा वहां की दूसरी जनजातियों का मानना है। वहीं मैतेई समुदाय द्वारा एसटी के तौर पर मान्यता दिए जाने की मांग की जा रही है, जबकि जनजाति समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो मैतेई समुदाय है वो काफी समृद्ध है, चाहे वो धन में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे भूगोल की स्थिति में हो, लेकिन और संसाधनों पर भी मैतेई समुदाय का बहुत हक है, ऐसा बताया जा रहा है। और मैतेई समुदाय शेड्यूल ट्राइब का दर्जा पाने के लिए आंदोलन कर रहा है, और जो अन्य वहां के जनजातीय समुदाय हैं जैसे कूका, वह इसका विरोध कर रहा है, और यही मुख्य वजह वहां पर हिंसात्मक जो गतिविधियां हो रही है उसके पीछे की मुख्य वजह यही है। एसटी दर्जे की मांग क्यों हो रही है? एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति की मांग क्यों की जा रही है? तो मणिपुर के इतिहास पर अगर नजर डालें तो मणिपुर अनुसूचित जनजाति मांग समिति ने 2012 में मैतेई लोगों के लिए एसटी दर्जे की मांग की थी, और वहां की दूसरी जनजातियों का मानना है कि जो मैतेई जनजाति है वहां काफी समृद्ध जनजाति के रूप में है। तो जो एक एसटीडीसीएम अर्थात मणिपुर अनुसूचित जाति मांग समिति ने वर्ष 2012 में ही मैतेई जनजाति के लिए कहा था कि इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाए, मतलब मणिपुर में यह अनुसूचित जनजाति के रूप में रह सके। तर्क यह दिया गया था कि समुदाय को संरक्षित करने के लिए यह जरूरी है, उनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए एसटी का दर्जा देना बहुत आवश्यक है। 2012 में जब मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब के रूप में लाने के लिए आंदोलन किया गया था, मांग की गई थी, और तर्क यह दिया गया था कि उनकी जो भाषा है, उनकी संस्कृति है, उसकी परंपरा है, उन सबको संरक्षित करने के लिए इनको शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देना आवश्यक है। एक बहुत बड़ी आबादी को केवल कुछ ही हिस्सों तक सीमित कर दिया गया। मैतेई समुदाय को पहाड़ी इलाके में जमीन खरीदने और बसने का अधिकार नहीं है। यह बताया जा रहा है कि जो एक बहुत बड़ी आबादी है उसको मणिपुर के केवल 10% क्षेत्र पर ही सीमित कर दिया गया, और जो पहाड़ी क्षेत्र है 90% वहां का क्षेत्रफल का पहाड़ी हिस्सा 90% है, वहां पर मैतेई समुदाय के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं और उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनसंख्या में भी लगातार कमी देखने को मिल रही है। 1951 में उनकी जनसंख्या मणिपुर की कुल जनसंख्या का 59% थी, और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वह मात्र 44% थी रह गई है। तो यह एसटी दर्जे की मांग के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि मैतेई समुदाय को निम्न निम्न पृष्ठभूमि को आधार मानकर इनको आप एसटी का दर्जा दे दीजिए। अब प्रश्न यह उठता है कि एसटी दर्जे का विरोध क्यों हो रहा है? मैतेई लोगों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने का विरोध क्यों अन्य जनजातियां कर रही हैं? मणिपुर के लोग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे के तर्क को जानते हैं तो लोगों को बताया जा रहा है कि मैतेई लोगों की राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत है, वे शैक्षणिक रूप से भी अधिक उन्नति है, मैतेई लोग संसाधनों के मामले में सशक्त है, एसटी का दर्जा दिए जाने से पहाड़ियों में आदिवासियों को बाहर ढकेलने का मौका मिल जाएगा। आपने देखा कि जो पूरा मणिपुर का पूरा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की भौगोलिक संरचना के आधार पर बात किया जा रहा है, तो जो पूरा मणिपुर का क्षेत्रफल है उसका 10% मैदानी इलाका है। उस 10% मैदानी इलाके में 64% मणिपुर के मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। अगर मणिपुर की राजनीतिक संरचना की बात देखी जाए तो मणिपुर से कुल 60 विधायक चुने जाते हैं मणिपुर में, उसमें से जो 40 विधायक हैं वह 10% का जो वही मैदानी इलाका है वहीं से चुनकर आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा है कि अगर उनको एसटी समुदाय में शामिल कर लिया जाएगा तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर अन्य जो जनजातियां हैं उनको ये लोग खदेड़ देंगे। क्यों खदेड़ देंगे? क्योंकि इनकी राजनीतिक पहुंच भी उन्नत है, शैक्षिक रूप से उन्नत है, और राजनीतिक स्थिति मौजूद है, मजबूत है, शैक्षणिक रूप से उन्नत है। तो मैतेई लोग संसाधनों के मामले में एसटी का दर्जा दिए जाने से वह आदिवासियों को बाहर धकेल देंगे, अर्थात उन पर भी वह लोग कब्जा कर लेंगे। मैतेई लोगों की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, उनमें से कई को एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यू दर्जे से जुड़े लाभों तक पहुंच भी है। तर्क यह भी दिया जा रहा है जो मैतेई समुदाय है उसकी जो भाषा है वह हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से जुड़ी हुई है,
और उस आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल है। उन 22 भाषाओं में एक भाषा मैतेई समुदाय के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा भी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उन लोगों के पक्ष में बात बता रहा है कि मैतेई समुदाय को अब एसटी का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 90% हिस्सा है, लेकिन इसके बजट और विकास कार्य का बड़ा हिस्सा मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर ही केंद्रित है। दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है कि मैतेई को एसटी में शामिल न किया जाए, तो बताया जा रहा है कि 10% मैदानी क्षेत्र पर इनका कब्जा है, लेकिन जो बजट आता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन मैतेई बहुल इम्फाल घाटी पर केंद्रित होता है। तो यही विवाद की जड़ है। विवाद कब तक सुलझेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यह खतरे की घंटी ही है मणिपुर के लिए। मणिपुर को शांत होना चाहिए, बैठकर केंद्र की निगरानी में मध्यस्थता से इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। बहरहाल ये अभी करंट का मामला रहा, अभी तुरंत तुरंत घटनाएं आज से चालू हुई है, इसलिए इस वीडियो सेशन को लेकर हम लोग आए हैं। मणिपुर के विषय में और हमारे वीडियोज हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।